हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्लास्टिक के गमले में कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है। थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें छेद है पीछे गमले में, काफ़ी सारे छेद है एरेशन के लिए। इसके अलावा हमने इसके बगल में साइड में भी छोटे छोटे छेद बनाए हैं, बड़े छेद नहीं बनाए, इतने काफ़ी है एरेशन के लिए। इसमें काफ़ी हवा अंदर बाहर करेगा तो अंदर के जो बैक्टीरियाज है या माइक्रोब्स है उनको सांस लेने में, सांस छोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, तो कंपोस्टिंग ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं प्लास्टिक के गमले में कंपोस्ट कैसे बनाना है। थोड़ा सा गार्डन सॉइल डालते हैं, इसमें काफ़ी माइक्रोब्स होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं, तो थोड़ा सा गार्डन सॉइल गीला है क्योंकि बरसात का मौसम है। तो एक 2 इंच का लेयर हम गार्डन सॉइल का बना देते हैं ताकि इसमें से माइक्रोब्स आ जाएंगे और कॉम्पोस्टिंग शुरू करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ग्रीन्स डालेंगे इसमें। ये है, हमने गार्डन से घास काट के लाया है तो इसको हम डालेंगे। इसमें काफ़ी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और कार्बन कॉम्पोस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन। इसके बाद हम थोड़े से सूखे पत्ते डालते हैं, ये कार्बन हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे लेकिन कार्बन की मात्रा कम से कम 2 गुना होना चाहिए, मिनिमम 2 गुना होना चाहिए, फिर 1 गुना हमको नाइट्रोजन डालना है। तो अभी हमने थोड़ा सा नाइट्रोजन डाला, थोड़ा सा कार्बन डाला है। अभी हम यहाँ लाए हैं किचन वेस्ट, ये ग्रीन वेस्ट है। इसमें आप देख रहे हैं सिट्रस पील्स, इसमें है प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके, जो भी है किचन से जो कूड़ा निकलता है। सिर्फ हमको इसमें केले के पत्ते हैं, तो जो भी किचन से ग्रीन्स निकलता है, ये देखिए ये ग्रीन वेजिटेबल का वेस्ट है। कुछ केले के छिलके हैं, ये कैल्शियम के लिए काफ़ी अच्छा योगदान देता है। ये हो गए हमारे किचन वेस्ट का एक लेयर हो गया है। इसमें कुछ प्लास्टिक या और कोई कांच या पतरा या मतलब लोहा नहीं डालना चाहिए, तो वो काम नहीं करेगा, इसमें से कंपोस्ट नहीं बनेगा। ये सारा चीज़ मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अभी ये फ्रिज से मैंने लाया है, तो ये हो गया। और हम थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं इसमें, ताकि सूखे पत्ते जो हमने हमारे गार्डन से इकट्ठा करके रखे थे। ये हो गया कार्बन। इसके अलावा और हम थोड़ा सा किचन का वेस्ट, अभी दूसरा लेयर हम चढ़ाते हैं इसमें। आम के छिलके, जो भी ग्रीन कचरा निकलता है, ग्रीन कूड़ा निकलता है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मात्रे में फाइबर्स है और ये नाइट्रोजन
तैयार करेगा। ये नाइट्रोजन है, ये देखिए पोमोग्रेनेट, ये बीटरूट, ये है वाइट गॉड, दूधी कहते हैं, ये है भिंडी। तो जो भी किचन से जो कूड़ा निकला है, कचरा निकला है, वो हमने इसमें डाल दिया है। अभी हम फाइनल लेयर कार्बन का डाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ हमको ज़्यादा डालना होगा क्योंकि हमने किचन वेस्ट का मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ है, तो हम थोड़ा सा कार्बन भी ज़्यादा डाल देते हैं। इसके ऊपर फाइनल लेयर हम डाल देंगे गार्डन फॉइल। गार्डन से हमने जो मिट्टी लाई हुई है वो हम इसमें बिछा देंगे ताकि इसमें से बदबू नहीं आएगी, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, मक्खियां नहीं बैठेंगी। तो ये सब जो बदबू जो आती है जब ब्रेकडाउन होता है तो वो इसमें इनमें से नहीं आएगी। इसमें कुछ वो भी है, रेड रिगलस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी ब्रेकडाउन करने में, कॉम्पोस्ट बनाने में मदद करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोस्ट प्लास्टिक के गमले में। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है एरेशन के लिए हमको इसमें होल्स बनाने होंगे, मतलब ब्रीदिंग, समझ लीजिए ब्रीदिंग होल्स है। ये मैंने काफ़ी ब्रीदिंग होल्स बनाए, छोटे छोटे बनाए, ज़्यादा मोटे नहीं बनाए हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोस्ट का 90% प्रोसीजर। अभी हम इसमें पानी मिलाएंगे। पानी मिलाना बहुत ज़रूरी है, पानी मिलाने से ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, इमीडिएटली तुरंत ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, कॉम्पोस्टिंग शुरू हो जाएगा। ये हो गया हमारा कॉम्पोस्ट प्रोसीजर। अभी हम इसको बंद कर देते हैं और इसके नीचे एक हम ऐसे बर्तन रखेंगे ताकि जो भी पानी निकलेगा वो कॉम्पोस्ट टी माना जाता है, उसमें भी काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं। सो वी विल कीप वन वेसल हियर एंड वी विल कीप द कवर। ये हो गया आज का प्रोसीजर। इसका हम अगला वीडियो भी इसी में जोड़ के आपको बताएंगे। अगले वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और ब्लॉसम के वीडियोस देखने के लिए आपको हम थैंक यू कहते हैं। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करने के लिए मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।